कांग्रेस की 25 दिन तक सदन चलाने की मांग पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुपूरक बजट के लिए इतने दिन का सत्र बुलाया है तो उदाहरण दे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की है कि सदन में हंगामा ना करे। वहीं उन्होंने कमलनाथ के श्योपुर में कुपोषित बच्चे वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि चीते पूरे देश में कहीं नहीं है और ये देश के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि जनजाति वर्ग में कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा है। उन्होंने कभी ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे कारण को कह देने से वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, वो जिस विषय पर चर्चा करना चाहती हो चर्चा करें, हो हल्ला ना करें, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ये सदन चलता है। संवाद लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है, वो जो सशक्त माध्यम है उसका प्रयोग करें। देखो, कमलनाथ जी के बयान के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का आधार अब जनजाति वर्ग में नहीं रहा, इसलिए अब वो ये खो तलाश रहे हैं कि कहां पे जाके साख बच जाए कांग्रेस की।